हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ मटन ड्राई कोफ्ता। इसके लिए हमें चाहिए खीमा। मैंने यहाँ पे मटन का खीमा इस्तेमाल किया है, आप बीफ का खीमा भी ले सकते हैं। ये 250 ग्राम्स है। और रोस्टेड बंगाल ग्राम यानी भुने हुए चने, ये मैंने 1/4 कप लिए हैं। हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती, 1 टीस्पून पेपरकॉर्न्स यानी काली मिर्च, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ आप अपने स्पाइस के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। अभी हम देखते हैं इसको बनाना कैसे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सर का जार। हम इसमें फर्स्ट डालते हैं हमारे रोस्टेड बंगाल ग्राम, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज, पेपरकॉर्न्स यानी काली मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें नेक्स्ट जाएगा टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को ऐड कर लिया है। अभी मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी। मैं बहुत पानी ना ऐड करें, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करें। और अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे ग्राइंड करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने उन तमाम इंग्रेडिएंट्स का एक थिक पेस्ट बना लिया है। इसमें ज़्यादा पानी ऐड ना करें। देखिए मैंने इसे कितना थिक बनाया है। इसे इतना ही थिक रहना चाहिए। अगर ये बहुत पानी हो गया तो ये कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने खीमे को उस पेस्ट में डाल के एक बार हल्के से ग्राइंड कर लिया था। अभी मैंने उसको निकाल लिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि ये अच्छे से मिल जाएँ, तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिल जाएँ। तो यहाँ पे मैंने तमाम मसाले को खीमे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये अच्छे से मिल चुका है। अभी हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। हम इसे हाथ पे ऐसे लगाएंगे। आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड्स। और इसका थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसके राउंड राउंड बॉल्स बनाएंगे। साइज़ की आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं या फिर बड़ा भी बना सकते हैं। मैं इसके मीडियम कोफ्ते बना रही हूँ। हमें ऐसे ही तमाम मिक्सचर में कोफ्ते बना लेना है। ये देखिए, तो मैं ऐसे ही इस तमाम मिक्सचर के कोफ्ते बना के आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने उस तमाम मिक्सचर के कोफ्ते बना लिए हैं। अभी हम देखते हैं इसे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक डीप वेजल लिया है जिसमें मैंने 1 to 1.5 कप पानी डाल के इसको अच्छे से पका लिया है। अभी हम इसमें ऐड करते हैं हमारे कोफ्ते। इसमें एक एक करके ऐड करें, पूरे एक साथ ना डालें वरना ये टूट भी सकते हैं। हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम पे रखना है। मैंने यहाँ पे प्लेन वाटर लिया था, मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो अभी मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। अभी हम 10 टू 15 मिनट्स के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो 10 टू 15 मिनट्स के लिए मैंने कोफ्तों को इस पानी में अच्छे से गला लिया है। ये बिल्कुल तैयार हैं, ये पक चुके हैं। अभी हम कोफ्तों को इस पानी में से अलग से निकाल के रख लेते हैं। सारे कोफ्तों को अलग से निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे तमाम कोफ्तों को पानी में से अलग से निकाल लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इस पानी को डिस्कार्ड कर देना है यानी हमें इसे फेंक देना है। अभी हम देखते हैं इसको फ्राई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। द पैन इज़ हॉट। अभी हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोफ्तों को पैन में डाल लिया है। अभी हम इसे फ्राई कर देते हैं। हमें यहाँ पे कोफ्तों को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है क्योंकि पहले से पक चुके हैं। इसमें क्रिस्पी आने के लिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोफ्तों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार है, इट्स रेडी टू सर्व। तो यहाँ पे हमारे मटन ड्राई कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके कोई वीडियो रिक्वेस्ट हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।